भी का दावेदार उसने यही किया वो बोलती है ऐसे दिखा कि इन लोगों से बात मत करना तो बोलते किस किन लोगों की बात कर रहे हो मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने तुम तो नाम किसी का भी नहीं लेते हो पर जब तुम पॉइंट आउट करते हो तो किससे बात कर रहे हो दीवार से बात कर रहे हो क्या तो uh, मुझे नहीं लगता रूबीना जैस्मिन एनी ऑफ दिस पीपल आर वर्दी ऑफ अविन अगर किसी को जीतना चाहिए अभी के सिचुएशन में तो या तो वो राहुल वैद्य होना चाहिए या तो फिर विकास गुप्ता दोनों में किसे ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर मानते हैं जैसे आपने विकास का राहुल वैद्य देने का नाम मैं चाह मैं मैं सोचती हूँ कि विकास गुप्ता बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक प्लेयर है और मुझे स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं जैसे मैंने फ्लिप मारा था कि मैंने दूसरे टीम को कन्विंस किया था कि मेरे लिए हार जाओ मुझे नहीं लगता थर्टीन फोर्टीन सीजन में कभी ऐसा हुआ है कि दूसरा टीम एक ए टीम के लिए खेलता है और ए टीम को लगता है कि मैं दूसरे टीम के लिए खेल रही हूँ तो वो पूरा एकदम कन्फ्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग बैटल था मेरे लिए बिग बॉस ही है इट्स अ गेम ऑफ विट्स इट्स अ गेम ऑफ इमोशन इट्स गेम ऑफ थॉट प्रोसेस तो आपको ये स्ट्रैटी गेम करना ही पड़ेगा आप अगर एज अ फैन किसी को वोट कर रहे हो क्योंकि उसके सीरियल आपको पसंद आई थी जो पाँच साल चली हुई बट वो उस सीरियल में अच्छी थी इस गेम में कैसी है तो हमारी ऑडियंस शायद वो समझती नहीं है वो सिर्फ एक किसी का चेहरा पसंद है या एक किसी का परसोना पसंद है तो उसको वोट करते हैं तो आई डोंट आई डोंट अग्री विद डेट बट दिस इज हाउ आई थिंक Uh, बहुत 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 भी भी आपको फिटनेस को लेके डिस्कशन बहुत, बहुत, बहुत रहा है हाँ. uh, और क्या तो फिर uh, तो मैं क्यों नहीं करूंगी नहीं बट अगर मैं बहुत अच्छी लग रही तो मैं काम करूंगी ना कि कृष्णा को दिखाने के लिए अच्छी लग रही हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब टू लुक गुड इज़ अ पार्ट ऑफ़ माई जॉब जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसको वो मेडिकल लाइसेंस लेना होता है उसको वो दस पंद्रह साल पढ़ाई एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, सर्जरी प्रैक्टिस करनी पड़ती तो ये मेरा जॉब है कि फॉर मी टू लुक गुड फिजिकली एंड ऑल्सो इमोशनली मेंटली इट्स अ पार्ट ऑफ माई बायोडेटा तो हंड्रेड परसेंट मैं डेफिनेटली uh, चाहूँगी कि और भी काम करूँ टेलीविजन में भी काम करूँ फिल्मों में भी काम करूँ अभी फिलहाल मेरी महेश के साथ एक फिल्म की शूटिंग चल रही है तो यहाँ से मैं दो दिन के बाद वही जाने वाली वो बहुत खुश है कि मैं बाहर आई